हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं सिबिल के ऊपर। तो दोस्तों, सिबिल है क्या? सिबिल दोस्तों क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म। और ये बताती है कि किसी भी शख्स को लोन दें या ना दें, किसी भी तरीके का क्रेडिट दें या ना दें। दोस्तों अगर हम बात करें सन 2000 से पहले की, तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं था जो कि सिबिल को बताता था। तो दोस्तों 2000 के बाद आरबीआई की गाइडलाइन में एक ब्यूरो का गठन किया गया कि वो बताएगा कि किस तरीके से आप किसी शख्स को लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसका कारण दोस्तों मैं बता दूं कि सन 2000 से पहले की अगर हम बात करें, तो किसी भी शख्स को उसके खाते के आधार पर, उसके सैलरी के आधार पर, या अगर हम बात करें उसके बिजनेस के आईटीआर के आधार पर लोन दिया करती थी। दोस्तों बैंक के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि उसने कितने लोन ले रखे हैं और बैंकों से, तो इसका पता नहीं चलता था। इसी की वजह से काफी सारे बैंकों को लोन ना चुकाने की वजह से एनपीए की जो परसेंटेज थी दोस्तों वो बढ़ रही थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, यानी लोन देने के बाद वो चुकता नहीं करते थे। तो इसी कारण से बैंकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि एक शख्स कई बैंकों में अपना खाता खुलवा करके वहां से लोन ले लेता था। और इन सब कार्रवाई में बैंक के कुछ कर्मचारी भी हुआ करते थे शामिल, जो उसको पास कर दिया करते थे और उसके बाद कुछ परसेंट लेकर के वो लोन उनको प्रोवाइड कर दिया जाता था। तो दोस्तों इसी के चलते आरबीआई के पास काफी दिक्कत आनी शुरू हो गई सभी बैंकों की तरफ से, क्योंकि जब लोन दे दिया जाता था और वापस नहीं आता था तो बैंक को नुकसान होता था। और इसकी वजह से आरबीआई के रेगुलेशन में होने की वजह से उसको काफी दिक्कत उठानी पड़ रही थी। तो इसी को चलते सन 2000 के आसपास इसका गठन किया गया। और उसके बाद इन लगभग 16 साल का लंबा सफर तय करके सिबिल आज एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर कोई लोन, चाहे वो 100 रुपए का लोन हो, चाहे वो 1 करोड़ का लोन हो, तो वो सिबिल चेक करके ही किसी को लोन देती है। तो दोस्तों यही कारण है कि अगर सिबिल आपका ठीक नहीं होता तो आपको लोन नहीं मिल पाता, चाहे वो किसी भी कारण का लोन हो, किसी भी चीज का लोन हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, होम हो या क्रेडिट कार्ड हो। तो दोस्तों सिबिल चेक करके ही लोन प्रोवाइड करती है कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों बात करेंगे कि सिबिल आखिर बताता कैसे है कि ये शख्स को लोन दिया जाए या ना दिया जाए। सिबिल अगर आप चेक करेंगे जाकर के, तो वहां पे 3 डिजिट के एक नंबर होते हैं जिसके आधार पर तय किया जाता है कि इस कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना है। दोस्तों अगर की रेटिंग की बात करें तो 300 से लेकर के 900 के बीच के सिबिल स्कोर आते हैं। अगर 300 के आसपास है या अगर 600 से नीचे किसी का सिबिल स्कोर आता है तो उसको खराब माना जाता है। 600 से ऊपर के सिबिल स्कोर को ठीक माना जाता है और कैटेगरी के हिसाब से लोन उसको दिया जाता है, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो, किसी भी तरीके का लोन हो। अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से ऊपर जाता है तो ही आपको कोई भी कंपनी आपको लोन देने को तैयार होती है। अगर एक अच्छा सिबिल स्कोर की हम बात करें तो 700 से ऊपर अगर किसी का सिबिल स्कोर है तो उसको अच्छा माना गया है और उसको इजी में लोन मिल जाता है, प्रोवाइड कर देती है कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इस तरीके से काम करती है सिबिल और ये बैंकों को बताती है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर लोन देना है या कस्टमर को नहीं देना है। दोस्तों 2000 से पहले काफी मिक्स था, किसी को कुछ पता नहीं होता था, तो इसकी वजह से काफी पैसे बैंकों के डूबे थे। यही कारण है कि सिबिल का गठन किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें तो सिबिल स्कोर 0 भी हो सकता है किसी का भी, क्योंकि अगर किसी ने कभी कोई लोन नहीं लिया तो उसका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं होता। तो दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने सिबिल स्कोर को 0 से लेकर के 700-800 तक किया जा सकता है कुछ ही महीनों में। तो दोस्तों ये वीडियो के बाद वो वीडियो भी आएगी, तो उसको भी देखिएगा, उसको भी पसंद करिएगा। जिसका सिबिल स्कोर कमजोर है वो जरूर जाकर के देखे और किस तरीके से अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज किया जा सकता है कुछ ही महीनों में, तो वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।